करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट सैटरडे संडे को मेरे को ये एनालिसिस बनाना था, बट कुछ काम वर्ष आज 16 मई को मैं ये एनालिसिस बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या एक्टिविटी हुआ है और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। डॉलर इंडेक्स अभी 104.47 पे है। अगर हम वीकली में देखेंगे, काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है। रिवर्सल का कोई सिग्नल अभी नजर में नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ। एंड मंथली में अगर हम देखेंगे कि लग रहा है इट इज हेडिंग फर्स्ट टुवर्ड्स 107.40, देन 109.71। ऑल्दो द सिस्टम के हिसाब से ये आपका 117 का टारगेट है, लेकिन लगता नहीं कि इतना ऊपर जाएगा। बट इट्स ए मंथली एनालिसिस, तो और भी महीना कंप्लीट होना है और प्राइस एक्शन समय देखना है कि वेदर डॉलर इंडेक्स हेडिंग टुवर्ड्स 117 और नॉट। तो अभी शॉर्टर टर्म्स में दैट इज ऑन डेली एंड वीकली पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट्स अगर होके ऊपर जाता है दैट इज एक्सपेक्टेड। अगर हम डॉलर रुपी में देखेंगे, डॉलर रुपी आपका 13 मई को ये ट्रेड हुआ है आपका 77.53 एंड 77.27। आज हमारा इंडियन मार्केट बंद है, बट इसका जो प्राइस चल रहा है अभी आपका 16 मई को 77.82। रुपी में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था 10 तारीख और 11 तारीख को अगर रिवर्सल कैंडल देता है एंड प्राइस अगर ये ट्रेंड चैनल के अंदर में घुस जाता है, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि रुपी में हेड टुवर्ड 76.10 टाइप। लेकिन उल्टा आपका 12 में 13 में और आज के दिन में ये ऊपर की तरफ बहुत ही अपवर्ड मोमेंटम कर रहा है। एनी डिप मे बी बॉट इन दिस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी आपका जो स्ट्रेंथ काफी हाई है। एनी डिप मे बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में भी काफी बढ़िया स्ट्रेंथ इस करेंसी पेयर पे दिख रहा है, यानी रुपी देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के हेडिंग टुअर 78.5060 टाइप। लेकिन प्राइस सेक्शंस हमें कंफर्म कर देखना है कि प्राइस सेक्शंस उस डायरेक्शंस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जीबीपी डॉलर डेली में देखेंगे, लास्ट फ्राइडे को एक थोड़ा सा बाईबैक हुआ है एंड देयर बाय 12th एंड 13th का जो टू कैंडल्स है इट सीम्स टू बी ट्विजर बॉटम टाइप ऑफ कैंडल। अभी आज अभी हल्का सा एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है। अगर हम आरएसआई टर्म्स में देखेंगे, वहां पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस बरकरार है इस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे, बिकॉज ऑफ व्हिच देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंट मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमें अपवर्ड मूवमेंट में क्या सेल ऑफ करना है या नहीं, उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में आपका पिछले हफ्ते में काफी नेगेटिविटी देखा गया है, बट लोअर लेवल पे द प्राइस गॉट रिजेक्टेड, दैट इज 1.2155 लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड करेंटली इट इज एट 1.2226। तो अपटिक अभी भी अपटिक में भी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम मंथली चार्ट को देखेंगे, मंथली में जैसे कि देखिए कि ये जो एक रेक्टेंगल आप देखोगे, इस रेक्टेंगल के लोअर एंड पे ओवर कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखेगा तभी जाके हम रिवर्सल के लिए सोचेंगे, एल्स सेल ऑप्टिक्स में बी कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आइए देखते हैं यूरो डॉलर पे क्या है। यूरो डॉलर पे फ्राइडे को थोड़ा सा बॉटम लेवल पे बाइंग हुआ है एंड आज भी हल्का सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.0420। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में आपका लास्ट वीक जो है अच्छा खासा नेगेटिविटी देखा गया है एंड अभी हल्का सा एक आज पहला दिन है हफ्ते का तो हल्का सा पॉजिटिविटी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम ऑप्टिक में भी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अभी रिवर्सल के लिए कैंडल्स कुछ कंफर्मेशन दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली में भी ये आप देखोगे कि ये जो अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लोअर एंड पे आ चुका है एंड यहाँ पे अगर जब तक
रिवर्सल कैंडल नहीं दिखता है एंड कंफर्मेशंस नहीं दिखता है, तब तक सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन 13 को 12 तारीख को सेल ऑफ होने के बाद 13 को काफी पुल बैक हुआ है एंड अभी आज ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है प्राइस सेक्शन के हिसाब से। तो ऐसा लग रहा है कि RSI टर्म्स में देखिए, जब तक ये RSI का ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, मे बी टुवर्ड्स 1.26 और मे बी टुवर्ड्स 1.235 123.50 126 या 123.50 लेवल पे जाने का चांसेस है। अभी हमें देखना है कि ये यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी अभी एज ऑफ नाउ ज़्यादा कुछ आपका क्लैरिटी दिख नहीं रहा है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे। मंथली में देखेंगे, मंथली में भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस, लेकिन अभी मिड ऑफ द मे है यानी हाफ of the trading days are left, so price action में काफी कुछ हो सकता है। But on daily time frame, we may look for lower high, lower lows for sell off, possibly towards 126 and then 123.50. अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी आपका 13 तारीख को अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस लेवल पे यानी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ए सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट, तो जब तक इसका हाई सेफ है, दैट मींस आपका 130.3076 के ये लेवल सेफ है, तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सेल ऑफ हो सकता है। इवन ऑन RSI टर्म्स में भी ऑप्टिक में भी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑन डेली टाइम फ्रेम। आइए देखते हैं वीकली में क्या कर रहा है। वीकली में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे पिछले हफ्ते में हमने एक इन्वर्टेड पिन बार देखा है, वो भी काफी प्राइस लंबा प्राइस रिजेक्शन हुआ है। एनी डेली क्लोज बिलो द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रीवियस वीक कैंडल का लो, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की थोड़ा सा सेल ऑफ हो सकता है। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये पर्टिकुलर CIP चेंज इन पोलैरिटी लेवल पे प्राइस हेजिटेट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा सेल हो सकता है। अगर ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में 12 तारीख काफी सेल ऑफ हुआ था, 13 तारीख को थोड़ा सा पुल बैक आया है और आज फिर दोबारा मीन्स सेलिंग मूड बन रहा है। अभी बेसिकली ये 0.70 से 0.7050 पे अगर कोई प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन आता है, वी मे कंसीडर फॉर सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अभी भी यहाँ पे रिवर्स सेल का कोई सिग्नल्स दिख नहीं रहा है। अगर हम CNH देखेंगे, CNH 12 तारीख को बहुत ही बढ़िया अप मूव दिया था, 13 तारीख को थोड़ा सा पॉज दिया है, अभी फिर दोबारा पॉजिटिव कैंडल्स बनने का कोशिश कर रहा है। ये जो रेड कैंडल है 13th मे का, उसके हाई के ऊपर अगर CNH जाता है, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये दोबारा फ्रेश हाई स्विंग हाई बना सकता है। अगर हम ब्रेंट ऑयल देखेंगे, ब्रेंट ऑयल में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज अभी ही है नहीं, बेसिकली मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स एंड ये जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था 115 एंड 97 इसके बीच में ही ये प्राइस मूव कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि वीकली में कुछ दिख रहा है क्या, वीकली में बेसिकली उसका जो टॉप है थोड़ा सा सेल है यानी ऊपर की तरफ हम सेल कर सकते हैं। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में ज्यादा कुछ क्लैरिटी अभी यहाँ पे है नहीं। ऑन वीकली टाइम फ्रेम अपटिक में भी सोल्ड, ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें ये पर्टिकुलर रेंज में ही ब्रेंट यूके ब्रेंट ऑयल को हम देख सकते हैं। अगर हम US 10 ईयर ट्रेजरी में देखेंगे, पिछले 4 दिन में काफी अच्छा सेल ऑफ हुआ है एंड उसके बाद 13 को थोड़ा सा पुल बैक आया है दोबारा। अभी अगर ये आज का रेड कैंडल या कल का रेड कैंडल ये 13 एंड 12 का लो को तोड़ देता है, समथिंग लाइक दिस 12 एंड 13 का लो को तोड़ देता है, तो थोड़ा सा नया स्विंग लो यहाँ पे दिख सकता है। तो अच्छा, यहाँ पे हम अगर वीकली देखेंगे, वीकली में भी आपका प्रीवियस वीक
एक बियरिश एनगल्फिंग हुआ है एट द टॉप ऑफ द बुल रन, तो थोड़ा सा सेल अपटिक्स में भी कंसीडर, जब तक ये जो ऑल टाइम हाई है दैट इज आपका पिछले वीक का जो हाई है उसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉफ्ट सोच सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। मंथली पे हालांकि अभी मिड ऑफ द मंथ है, आपका यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, अभी और 15 दिन बाकी है, 2 हफ्ता बेसिकली बाकी है, तो देखते हैं क्या क्या प्राइस फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो वीकली जो करेंसी एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, हफ्ते शुभ हो, धन्यवाद।